भी नहीं बचेंगे। ठीक है, ये है। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो डिस्कस करने ही है हमें, पीवाईक्यूज। वो तो हमारा चलता है हमेशा से, हमने हर एक चैप्टर के डिस्कस करे हैं। अब कोई आओ चाहे मत आओ। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए। प्रैक्टिकल यस यस मैम। किसका हो गया? ओ मैम, तुम्हारे एक होगा पहले ना, फिर बाद में होगा, और वोकेशनल क्या? का होगा ना हमारा पहले, और अभी तक वो दूसरे की डेट नहीं आई है। फिजिक्स केमिस्ट्री। गुड यस मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग निशा। किस किस के हो गए हैं? लेकिन केमिस्ट्री का किस किस का हो गया? अभी किसी का नहीं हुआ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल? ओके, नो प्रैक्टिकल डेट तो आ गई ना आप लोगों की? नहीं आई? मैम, टीचर से मैम आ हो गई गई है वैसे तो। क्या कह रहे हो कनिका? तो मैम टीचर से डिसाइड करते हैं कब लेने हैं प्रैक्टिकल। अभी नहीं डिसाइड किया उन्होंने? मैम नो, प्रिंसिपल सर आ नहीं रहे हैं ना स्कूल, तो फिर उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। प्रिंसिपल सर बड़े छुट्टी में चले गए। अच्छा मैम यस, उनका कोई सेमिनार है 2-3 दिन का। ओके। बोलिए चलिए। मैम हमारे तो हो गए प्रैक्टिकल। ले सारे हो गए? कैसा मैम आज केमिस्ट्री का ही था लास्ट। गया? मैम अच्छा ही हुआ। चलो अच्छी बात है, फारिक हो गया टेंशन फ्री। अब आराम से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो एग्जाम की। तो ये पूरा 1 वीक है आपके पास तैयारी के लिए। 24, 28, 4 दिन। 4 दिन ही है, पूरा वीक क्या है? 28 का पे महीना ही है। चलिए दिख रहा है? पहले बताओ, दिखाई दे रहा है? चलो मैम यस ठीक यस है। अब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और बड़ा करूं? अब ठीक है? अब ठीक है? मैम, बताइए बताइए, शुरू कीजिए। चलिए मुझे ये शो हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन शो नहीं हो नो रही? अरे नो मैम, नो मैम, नो मैम। ऐसे कैसे? आई थिंक एरर आ गया, रुक जाओ। गड़बड़ हो गया था कुछ, अपने आप ही कैंसिल हो गई क्लास। अभी दिख जाएगा। अब बताओ, अब दिख रहा है? यस मैम। चलिए बताइए। द एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। किसके बीच में हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एंगल? अब आपको याद करना पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ठीक है, तो मैक्सिमम किस में होगा? जिसमें हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हमारा कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दो एटम बॉन्डेड होते हैं बाय द ईच अदर फ्री। जैसे हमारा CH3 है, CH4 है, ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन, तो इसमें एंगल कितना होगा? इसमें एंगल कितना होगा? जो टेट्राहेड्रल था, इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल की ये क्या था? ऐसे था ना, 120 डिग्री था, 180 डिग्री था, एंड कौन से थे? 90 डिग्री। 90 डिग्री के कितने थे मेरे?
120 डिग्री 3, 180 का 1 और 90 डिग्री के थे 6, है ना। नेक्स्ट मेरा H2O, H2O में क्या है, ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन है तो बनाओ H2O का, पहले H2O को बनाओ, दो स्ट्रक्चर बनाओ, बोलाओ बनाना जरा। दो दो चार और दो छह, दो लोन पेयर, तो ये क्या है, वी बैंड शेप में हो जाएगा और इसमें जो लाएगा वो 104.5 डिग्री होगा। MCO2, CO2 में क्या होगा, कार्बन है, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनेगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनेगा, तो इसमें तो क्या है 180 डिग्री का एंगल होगा, तो मैक्सिमम एंगल किसका होगा, किसके बीच में होंगे मैक्सिमम एंगल, ये तो नहीं होगा, बताइए CH4 की CO2 किसमें होगा, मैक्सिमम तो 3 बेटा, 3 एंगल इसी में है ना, तो CH4 नहीं होगा आंसर, है ना। तीन में बन रहे हैं, कितने हैं, एक में 120, 180 और 90 डिग्री, तो कितने होगा CH4 में, द एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन CH4, CH2O एंड CO2। पहले बताओ समझ आया, किस किस में होगा मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड, किस में होगा, CH4 में ठीक है, कैसे, मैम। अच्छा हम जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड एंगल निकालते थे, नहीं जस्ट मिनट, जो हमारा एक बार एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज एस करेक्टर किसमें ज्यादा है वो निकालने के लिए बताया था। अच्छा पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताना, इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चलो एक और ना शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकालो निकालो, मैम CH4 की SP3, CH4 की sp3, वेरी गुड, H2O की मैम H2O की SP3 sp3 एंड CO2 और CO2। की, मैम इस sp है ना, मैम यस ठीक है। अब इसमें ना जिसका परसेंटेज एस करेक्टर मैक्सिमम होगा वो ही मेरी क्या होगा, उसी का मेरा बॉन्ड एंगल जो कोवलेंट बॉन्ड है उसी में मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब किस में मैक्सिमम है ये देखो, किसका परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इसमें कितना है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 4 × 100, इसमें तो 25% है, और तुमको भी पता है सबसे ज्यादा किसका था, sp देन sp2 एंड देन sp3, ऐसे था ना हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे बताई थी ना, मैक्सिमम मैक्सिमम किसमें होती है, sp में, तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है मैक्सिमम एस करेक्टर होता है उसी में क्या होता है मैक्सिमम बॉन्ड होता है, तो sp किसका है, लाइक CO2 का, तो CO2 आएगा इसका आंसर, ना कि हमारा CH4, ठीक है, क्या होगा CO2, और CO2 में भी क्या होता है, लाइक हम वो गलत बोल दिया कि वो मैक्सिमम लाइक 1 2 3 नहीं था, हमारा मैक्सिमम क्या होगा, लाइक कार्बन बॉन्ड है तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हमारा क्या होता है सबसे ज्यादा, है ना, तो दैट इज CO2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, अब आप लोगों को पता है ये चीज, मैंने आई थिंक कल या परसों बताई थी कि कौन सा बॉन्ड हमारा मैक्सिमम होता है, कौन से बताइए, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, आप जानते हैं जो हमारा क्या होता है, जो जिसमें हमारा क्या होता है HCOOH बॉन्ड होता है वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो किस किस में बन रहा है मेरा HCOOH, मैम थर्ड सेकंड वाले में ठीक है, वेरी गुड, बन एक तो इस वाले में और एक इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, रहे तो HCOH एंड देखो HCOH, तो ये इन दोनों में क्या होगा,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है ये हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है? ओके, दिस वन एंड दिस वन। चलिए अब बताइए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड है, कितना इजी है? नाइट्रोजन N2, N2 के बॉन्ड कितना होता है, N2 से में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, कितने सिग्मा बनेंगे, बताइए। N2, N2 से हम कैसे बनाते थे, लाइक ऐसे ऐसे करते थे ना, थ्री थ्री N2, है ना? ऐसे ही तो मेरा क्या होता था, ऑक्टेट पूरा हो रहा था, है ना? इस तरीके से देखो, हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 2 8, तो मेरा फर्स्ट बॉन्ड जो क्या होता है वो सिग्मा होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो वही तो पूछ रहा है, देयर आर 2 पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है? अच्छा बताओ, चलो ये बताइए, लाइक द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनिया कैसे बनता है, अमोनियम आयन कैसे बनता है, NH3 ठीक है? वेरी गुड। तो उसमें क्या हमारा इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसकी हाइब्रिड कौन सा होगा ये बताइए, कौन सा हाइब्रिड बनेगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एनएच एनएच फोर आयन है, आयन आयन होगा तो क्या होगा, NH4+, कल एक खा NH4+। अब इसका चलो, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, सिंपल यही आंसर आएगा, वही आएगा। चलो बताओ क्या आएगी, आएगी SP2 श्योर? नाइट्रोजन में मेरे 5 है, एक इसने दे दिया, एक किसने दे दिया, 4, 4 के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, 0 लोन पेयर है, तो 4 हो गया, तो 4 है तो मेरी sp3 नहीं आएगी, यस मैम। फिर sp2 कहाँ से? चलिए ये बताइए, शेप ऑफ CH3 आयन इज क्या होगा इसकी, CH3 की, CH, देखो CH4 की मेरी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, होती कि नहीं होती, ठीक है? अब हमारा क्या होगा, एक आयन चला गया है, एक उसने दे दिया है, तो क्या होगा, क्या होगा, वो CH4 की है, मान लो एक इसने दे दिया, CH4 का हमारा ट्राइगोनल क्या था, हमारा सॉरी टेट्राहेड्रल था, तो क्या होगा अब इसका, लीनियर तीन नन्ना H3 है बेटा, H3 है, 1 2 3 4, H H H, ये इसने दे दिया, तो देख कौन सी शेप बन रही है, इस तरीके से, कौन सी थी मेरी, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बताइए, अब द टू टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंटिंग B2H6 आर कोवलेंट बॉन्ड एंड B2H6 का याद है, B2H6 का, अच्छा फॉर्मेशन कीजिए B2H6 का, लाइक उससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए जरा, कौन सा होगा, ये याद है, लाइक B2 है तो B B, अब हमारे बोरोन में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 होते हैं, चलो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये इनका क्या हो रहा है, चलो भाई शेयरिंग हो रही है, ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे तो बनता है B2H6, है ना? तो इसमें किसके साथ बॉन्डिंग हो रही है, क्या कौन सा ब्रिज बन रहा है इन सबके बीच में, हाइड्रोजन ब्रिज, ये जो ब्रिज है ये कौन सा ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है, हाइड्रोजन ब्रिज, याद रखना, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है और क्या है, हाइड्रोजन ब्रिज है, ठीक है? चलिए बताइए, व्हेन N2 गोज N2+ एंड NN बॉन्ड डिस्टेंस एंड व्हेन O2 गोज O2+ एंड OO बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस मींस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बताना है सिर्फ, ठीक है बताइए क्या होगा,
एन टू पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ओ टू पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, दैट्स इट, वही आंसर होगा आप लोगों का, निकाल लोगे ना एन टू। मैम हाँ निकालते हैं। निकालो, चल मैं हेल्प कर देती हूँ अदरवाइज। एन टू क्या है, 14 है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 2 14 है ना। अब हमारी यस और इसका क्या है, एन लेस देन इक्वल्स टू 7, तो हमें पता ही कौन सी कौन मोटी चलेगी इसकी। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो क्या है, 13 है, तो सिंपली ऐसे कर लो, 1s2 था एंड देन स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 देन इसका भी 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या है लेस देन 7 था तो पाई वाला करेंगे है ना, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमने 13, हमको भरने कितने हैं 13, तो एक और सिग्मा 2pz, इसमें एक आ जाएगा लास्ट में। अब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग देख लो, पहले बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 दो 6 और 2 8 और 1 9, 9 में से अब 2 और 2 4 4 बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 2.5 आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2.5। हाँ और ओ टू है और ओ टू पॉजिटिव, ओ टू का क्या था आप लोगों को पता है, लास्ट में 1 1 थे है ना, एंटी बॉन्डिंग थे, एंटी मोलिक्यूल कितना है, ओ टू है तो 16 है, तो इसी में फिल कर दो बस, क्या है इसमें ज्यादा है ग्रेटर है, तो पहले सिग्मा में फिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 फिल हो जाएंगे पहले, 1 2 3 4 5, 2 5 10, 11 12 13 14 एंड देन पाई स्टार 2px 15 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py माइनस, किसमें एंटी बॉन्डिंग वाले में। अब ये कह रहा है ओ टू पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कहाँ पे चला गया, पाई 2px, पाई में से चला गया, पाई 2px में रह गया है ना। ओके तो बोलो अब क्या होगा इसका, मैम 3 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। पक्का 3 तो नहीं आना चाहिए, 3 तो मेरा ओ टू का होता है, आई थिंक 2.5 होता है, 3 रुक जा, 2 4 6 8 10 नहीं हाँ 10 माइनस 2 2 4 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 आ रहा मेरा, तो आपका यस मैम 2.5 ही तो आ रहा है। चलिए हाँ अब बताओ, चलो सेकेंड ही क्वेश्चन बताओ, किसके लिए वैलिड नहीं है, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, चार वो याद है, चार चार मैंने बताए थे जिसमें ऑक्टेट रूल क्या रहे थे, जिसमें मेरा क्या था एक्सेप्शन, बताइए बताइए एक्सेप्शन याद है, चार यू याद है, चार यू क्या बताए थे मैंने, एक हाइपोवैलेंट वाला, एक हाइपरवैलेंट वाला है ना, हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम क्या है लेस देन एक है, हाइपोवैलेंट जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा था, नेक्स्ट जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, याद है, तो वही ये रूल होगा, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल पे, पहले आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पे 6 ऑक्सीजन कितना हो गया, ये तो मेरा बन रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, कार्बन है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ तो कर रहा है, तो ये तो इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो अब बनाओ H2O का, H2O का बनाइए जरा, कि वहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बनाओ ना, ऑक्सीजन है 2 2 4 और ऐसे 6, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो लोन पेयर हो गए, तो देखो ये बन रहा है कि नहीं, हाँ ये भी बन रहा है ना, ये भी बन रहा है। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो भाई ट्रिपल बॉन्ड बनता है,
डबल बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? ये भी तो किस पे फॉलो नहीं होगा मेरा, कार्बन मोनोऑक्साइड पे, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। देख लो कैसे फॉलो होगा, फॉलो ही नहीं होगा। 1 2 3 4, अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का तो क्या होता है, कार्बन मेरा 6, ऑक्सीजन मेरा 8, 14 है, तो क्या हो सकता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो सकता है। देखो ऑप्शंस मुझे गलत लग रहा है, इस पे तो हो सकता है, इस पे तो बन जाएगा आराम से, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड भी हो जाएगा, कार्बन नेगेटिव भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर NO हो तब नहीं होगा, आई थिंक ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो इन सब में तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, NO पे नहीं होगा। चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बताइए इसमें क्या होगा। दैट एलिमेंट एक्स इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एलिमेंट वाई इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट, द कंपाउंड फॉर्म्ड वुड बी, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवेलेंट? यूनिवेलेंट का मतलब क्या होता है इसमें? इसमें हम्म, अलग यूनिवेलेंट भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसमें। यूनिवेलेंट 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 जैसे बोल रहा है कि एक्स क्या है मेरा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब कि उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना। पॉजिटिव है तो मीन्स एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। एंड वाई इज द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी है, वो था यूनिवेलेंट। तो कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, आयोनिक करेक्टर नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस ए आंसर नहीं होना चाहिए इसका, है ना, राइट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कोवेलेंट, बताइए। देखो ये भी मेरा आयनिक होगा, है ना, के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव एस नेगेटिव, ये क्या है, कैल्शियम और ओ पॉजिटिव। सिर्फ कोवलेंट क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कोवलेंट है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ हाइड्रोजन में ही तो होती है, राइट, है कि नहीं। नहीं। ये तो क्या होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और गेन करते हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन और ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन क्या करता है, शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड वहां पर बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, राइट। ठीक यस है, चलिए यस बताइए आप। सोल्युबल इन वाटर। सॉल्यूबल कौन सा था जिसमें हमने, मैंने एक चीज बताई थी, वही सॉल्यूबल होगा जो क्या होगा, जैसे मैंने NaCl का केस बताया था, तो NaCl सॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा थी, है ना। तो अब इसमें बताइए, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वॉटर, CH2, CH5OH, CCl4, CHCl3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, अब इतना ही हिंट दे सकती हूँ। हमारे वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, नहीं वाटर का फॉर्मूला बताओ। H2 अब H2O है तो इसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, यस मैम बन रहा है मैम, अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें, वही सॉल्युबल होगा। सेकंड और वेरी गुड, C2H5OH, OH बॉन्ड है कि नहीं, हमारा क्या है C2H5OH, तो क्या है, वाटर क्या है मेरा, पोलर सॉल्वेंट है, कौन सा, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब C2H5OH क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, जस्ट बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, C2H5OH। चलिए इसमें बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन N2,
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं पार्ट? अरे एन टू का बॉन्ड अभी तो बनाया था मैंने, बॉन्ड बना और देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, बताइए काउंट कीजिए। अरे नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्ट ले रहे हैं, कितने पार्ट ले रहे हैं एन टू बनाने के लिए? दो, दो चार और दो छह, छह इलेक्ट्रॉन। सिक्स क्या सिक्स यार, चलिए ये बताइए, इफ अ मॉलिक्यूल MX3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा ऑर्बिटल यूज्ड बाय MR, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, लेस देन 21 है, जीरो डायपोल मोमेंट है। जीरो डायपोल मोमेंट मीन्स जीरो डायपोल मोमेंट है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रायगोनल ज्योमेट्री होगी तो क्या होगा, क्या क्या होगा मेरा ट्रायगोनल में, कौन बताएगा मुझको, बोलो। बताइए अच्छा ये बात बता, पहले ये देख लो MX3 है तो ये क्या है, सेंट्रल एटम है ना, ये क्या है, एम मेरा सेंट्रल एटम है, और इसका क्या है, ये कह रहा है कि X3 है, मीन्स X3 है तो मतलब क्या है, मतलब इस तरीके से इसके क्या है, X X X इससे क्या है, कनेक्टेड है, तो ये देखो ट्राइगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, दैट्स इट, हाइब्रिडाइजेशन देख लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21 से कम है, क्या होगा 21 से कम है, कंबाइन करके देखो। बाबूजी देखो मैंने क्या बोला, ये ट्राइगोनल है, अगर ये डायपोल मूवमेंट कल पढ़ाया था ना, मैंने बोला ट्राइगोनल है, इस तरीके से मैंने, डायपोल मूवमेंट तब क्या होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा हो, ये कम होगा, ठीक है, ये कम होगा इधर होगा तो इधर चला जाएगा, और इसका क्या है, लोन पेयर होंगे तो मान लो इधर चला गया, तो इधर अदर हो गया तो मेरा क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, और ऐसा किस में होता है, जब मेरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है, ये याद रखना, किस में होता है मेरा, sp2 में, ठीक है। अब यस मैम, बताइए द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताइए कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू, जिसमें हमारा सेम आ जाएगा वही आंसर रहेगा, नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लो, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सीएन नेगेटिव हाउ, CN नेगेटिव, कार्बन है 6 7 7 है 8 14, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वेरी गुड, CN नेगेटिव, बिल्कुल सही, ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाइन्थ, नाइन्थ बताइए, अब लीनियर, ऑब्वियसली मुझे सामने सामने दिख रहा है लीनियर, कौन सा लीनियर है, CO2 वेरी गुड, CO2, CO2 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही क्या है, लीनियर है, वेरी गुड। अब बताइए किसका क्या है, डाइपोल नहीं है, कौन से का डाइपोल नहीं है, द कंपाउंड विद नो डाइपोल मूवमेंट,
मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है कोई मुझे बताएगा? याद है मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर MCl वेरी गुड, CH3Cl, ठीक है, वेरी गुड। कार्बन कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, CCl4 वेरी गुड, CCl4, ठीक है। और मिथाइल क्लोराइड का, मिथाइल, हाँ, सी मिथाइलीन क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन तो होगी ऑब्वियसली, क्लोराइड है तो Cl2 होगा। अब मिथाइलीन क्या होता है? ईन, इन मैम टू बोन हाइड्रोजन के दो होने चाहिए, ईन, ठीक है। मैम यस अब है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन के जिसमें 3 होते हैं एंड CH क्या होता है? सिंगल होता है, CHClC, ठीक है। अब देख लो क्या है, नो डाइपोल मूवमेंट। अब इनका क्या बनाओगे, इनका क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए CCl4 का बनाओ पहले। C है, कार्बन के क्या होंगे, 4 होंगे, तो ये क्या होगा, Cl Cl Cl, ये Cl, ठीक है। अब इसका इधर डाइपोल मोमेंट तो ऑब्वियसली इधर, और ये इसका किधर जाएगा, इधर, तो ये इधर, जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है, विद नो डाइपोल मोमेंट, तो किसका होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्चुअली का, है ना, यस पक्का। मैंने ये तो बताया था कल, इसी तरीके से कैंसल आउट होता है ना। चलिए बताइए। ये बताइए, 15, द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, काउंट कीजिए और देखिए जिसका क्या होगा, जिसमें मेरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, मीन्स क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए वो किसमें, ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 में थे ना, इसीलिए तो इसका नेचर क्या था मेरा, पैरामैग्नेटिक, है ना, याद है। चलिए यस बताइए, अच्छा ये बताओ, 17, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है? एफएच वेरी गुड, क्लोरीन, राइट। चलिए वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन मैम सल्फर ऐसे तो मैम डाइऑक्साइड क्या इसमें? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वेरी गुड, sp2। अब कैसे होगी बता, बताओ हमारे सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल आउटर मोस्ट में? सिक्स होते हैं ना, यस मैम यस मैम ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक मेरा क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड,
ठीक है ना, अनपेड हो जाएगा तो सिक्स है, इसमें से कितने हो गए, चार तो मेरे चले गए, दो मेरा बच गया, तो क्या है 2 + 2, तो तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी 2, और यहाँ पे लाइक कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 3, तो क्या हो जाएगा SP2, एसपी SP। चलो बताइए, ये तो रहने दो, बताओगे या फिर बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन किसमें होगी, इथेनॉल मिथेनॉल किसमें होगा, सबको सबका नाम दे दूं क्या, नाम बताओ सबको। यस सर। चलिए बता, ये बताती हूँ, इसका होता है मेरा C4, और लाइक इसकी जो बॉन्डिंग लगभग ऐसे ऐसे आप एक मालूम है, ठीक है, इसका एक डाइहाइड ईथर, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है, और इथेनॉल का क्या होता है, क्योंकि वो पता होता हूँ, इथेनॉल का क्या होता है, सीएच OH बॉन्ड होता है उसमें, सीएच टी यस टू H5O हाँ ये T2H5OH, हमारा सिर्फ इथेनॉल में ही क्या होता है OH बॉन्ड, जिसमें OH होगा ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, उसी में मैक्सिमम होता है, ठीक है, इससे कम है। और इससे पहले जो बताई थी कि सबसे पहले किसकी होती है, वाटर की होती है, देन मिथाइल, एंड देन किसकी होती है, इथाइल, सबसे लास्ट में मैंने ईथर बताई, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी को बताइए। अब इसमें बताओ द स्पेसिस इन विच द सेंट्रल एटम यूज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डेड sp2 किसमें होगा, फास्फोरस sp2 बताइए, सो इजी बताइए, जल्दी बताइए, सो इजी, ये नहीं होगा 4 है, ये भी नहीं होगा 4 है, ये भी नहीं होगा, और CH3 पर कार्बन क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में हमारे 4 होते हैं, है ना, अब ये पॉजिटिव है, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसने हाइड्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड बना लिए, तो क्या हो गया, तीन बना लिए, नो लोन पेयर, थ्री हो गया, तो मेरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, है यस ना। चलिए अब इसमें मॉलिक्यूलर लीनियर स्ट्रक्चर तो पता ही है, CO2 का होता है, जीरो यस डायपोल मोमेंट किसका होगा, चलो ये भी बता लीजिए, बताइए किसका होगा, ये तो कल एक्सेप्शनल केस बताया था ना, एक NH3 और NH3, तो डायपोल मोमेंट किसका था, मैम वेरी गुड, NH3 का है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, इसमें से बताओ, चलो पिक आउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस के हैं, बताइए किस किस में होंगे, ऑप्शंस बताइए, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, CH3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, NH3, CH3 नेगेटिव, बताइए बताइए। CH3 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, कार्बन है 6 + 3, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, है ना, 6 और 3 9, तो इसमें तो 8 हो गए, अब इसमें कितने हैं 3, ओ में कितने आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, 6 और 3 9, एक इसने दे दिया,
तो कितने हो गए, ये भी एट हो गए। चलो भाई अब क्या है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, पांच, और तीन, ये भी कितने हो गए, आठ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब CH3 नेगेटिव कार्बन क्या होता है, सिक्स, थ्री, और क्या है एक अलग, 10। तो फोर तो होगा ही नहीं, और फोर्थ दिस में वो कैंसिल कर दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मैं कार्बन सिक्स, छह और तीन, नौ, हाँ सही। तो मैं वो क्या होता है सिक्स, तो तुमने देखा होगा कौन इसमें 5 नहीं होंगे, से वाले में, वो प्लस मैम 6 होता तो उसने 1 दे दिया, तो उसके पास 5 नहीं बचे। हाँ ये वाला गड़बड़ हो रहा है, कौन सा है, नाइट्रोजन में मेरे फाइव होते हैं ना बेटो, फाइव है। मैम, हाँ ये कौन से वाले की बात कर रहे हो, ओ प्लस ओ प्लस इसमें वाले में हाइड्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं, सिक्स, मैम तो एक इसने दे दिया, छह से नौ, तो टोटल देख ना, तीन होते हैं, छह सिक्स और तीन नौ, और एक इसने दे दिया, वही तो मैंने किया है, तो टोटल नंबर तो एट हो गए ना, यस मैम, तो ऑप्शन आई थिंक गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर होना चाहिए इन दोनों में, ए और सी, ठीक है, फोर्थ तो होगा ही नहीं। चलिए, विच वन इज द मोस्ट आयोनिक, कौन सा मोस्ट आयोनिक होता है बता सकते हो ना, आयोनिक आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, -2। अब जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, आयनिक प्रॉपर्टी, निकालो ना, ये हमने निकाला था सबसे पहले स्टार्टिंग में, यही चीजें निकाली थी, बताना किसका कितना होगा, निकालिए सबका, चलो ये टास्क है, निकालो सबका, कौन कितना आयोनिक है, मैं हेल्प करूं क्या, P2O5, ऑक्सीजन क्या क्या होता है, -2 है ना, -5 प्लस एक्स इंटू टू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स -10 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसका तो 5 आ गया, ठीक है। अब है CrO3, तो ये क्या है, 1 है, एक्स ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, 6। अब क्या है, Mn, MnO, O का क्या है, अब ऑक्सीजन का तो भाई -2, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, +2, ये +2 हो गया। अब है Mn2O7, Mn2 मीन्स ट्वाइस एक्स, और माइनस के 7 14, तो इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 7, तो मोस्ट आयोनिक कौन सा हो गया, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा आयोनिक क्या हो गया, दिस वन ना, Mn2O7, देखो एक्स इज इक्वल टू 7, ये समझ आया कैसे आया, पहले ये बताओ मैंने कैसे निकाला, ये समझ आया, लाइक क्लास की मैम, स्टार्टिंग में यही बताया था। हाँ कनिका, ये मुझे आते नहीं है निकालने मैम, तो मैं इसलिए तो भूल जाती हूँ क्लास में भी मैम। बताओ, यस देख इतना तो पता है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई कि सबसे लास्ट में यस मैम, पीरियोडिक टेबल की किसकी कितनी, जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, सबकी निकाली थी, कहाँ यस से, 1 2, ठीक है, 13 14 तक मेरी क्या होती है, 4, 1 2 3 4, देन उसके बाद -3 -2 -1 एंड 0 है ना, -3 किसकी होती थी, -3 कौन से है? हमारे -3 15th ग्रुप की, 16th ग्रुप की -2, 17th ग्रुप की -1, 18th ग्रुप की 0, यही तो बताई थी। अब मेरा जो ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप में ही तो आता है ना, ऑक्सीजन मेरा 16, तो हमें ऑक्सीजन की पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, अब हम फॉस्फोरस की निकाल लेंगे, ऑक्सीजन है ना, तो अब क्या होगा, फॉस्फोरस 2 है, तो मैंने फॉस्फोरस को पी को एक्स मान लिया, तो 2 है तो ट्वाइस एक्स हो गया, प्लस अब ऑक्सीजन की -2 होती है, -2, और इसमें ऑक्सीजन 5 टाइम है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 0, तो 5 2 10, माइनस के 10 प्लस ट्वाइस एक्स, ठीक है, अब ये माइनस के 10 इधर जाके प्लस के 10 हो जाएंगे, तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब आ गया ऐसे निकाला, अब समझ मैम आया, ठीक है। अच्छा चल अभी किस किसकी बता, Chromium O3 की बता, कैसे निकलेगी बताओ, क्रोमियम मेरा 1 है तो एक्स ले लेंगे है ना, और -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की क्या आ जाएगी, 6,
तो इसकी क्या जाएगी 6, इसकी क्या आई मेरी 5, है ना। मैम जैसे ऑक्सीजन का हाँ माइनस 2 होता है और 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करनी होती है। हाँ क्योंकि इसमें थ्री थ्री टाइम दे रखा है ना, देखो ऑक्सीजन 3 टाइम दे रखा है तो 3 टाइम ही तो लेना पड़ेगा। मैम यस जितना टाइम दे रखा होता उतना टाइम, जैसे मैंने फॉस्फोरस 2 टाइम दे रखा तो इसीलिए तो मैंने 2 टाइम x किया था। ठीक यस मैम है, अब समझ आया। थैंक यू मैम। इट्स ओके। चलिए अब नेक्स्ट बताइए। इसमें बताओ, चलो इसमें बताओ। द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन CaC2। बताइए कैसे बॉन्ड बनेंगे पहले इसमें। CaC2 बताइए कैसे बॉन्ड बनेंगे। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ये बताइए। मैम टू कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम हमारे कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। कैल्शियम मैम ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप राजी हाँ तो फिर कौन सा एलिमेंट था, सेकंड ग्रुप ही तो था। तो कैल्शियम क्या है, सेकंड है। एक यहाँ एक यहाँ, अब क्या है, क्या है मैम मेरा। हाँ कार्बन बोलो। अब कार्बन है तो कार्बन का पूरा करो, कैसे करोगे बोलो बोलो, करोगे कंप्लीट। मैम साइड साइड में लग जाएगा एक एक कार्बन। एक एक कार्बन ऐसे। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में मेरे 4 होते हैं, क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो बन गया, हो गया क्या इसका पूरा। हमको क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो यस मैम फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मैम किस तरीके से बनाएंगे फिर, किस तरीके से बनाएंगे हम। पहले हम जानते हैं CaC2, तो हम पहले मेरा कैल्शियम पहले तो इसके ना इसमें क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा पहले ये देखो। नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, कैल्शियम है कार्बन है। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का कितना होता है। मैम 20 वेरी गुड, अब समझ आएगा। ठीक है, अब इसकी करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 और 6 10, और 2 12, 12 और 6 18, एंड देन 4s2, है ना। मैम अब हम क्या करेंगे, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कार्बन 6 होता है ना, 1s2, 2s2 एंड 2p3, और 2 4 और 2 6, है ना। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 है तो 4 और चाहिए ना। तो यस मैम 4 चाहिए तो ये क्या, और ये कितने लूज कर सकता है, ये कितने कर सकता है, ये तो सिर्फ 2 ही लूज कर सकता है यस ना। मैम तो 2 तो दे दिए, 2 दे दिए तो क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ये क्या होगा 2 नेगेटिव, इस तरीके से होगा। तो 2 पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अब इतनी कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 2 नेगेटिव है तो ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में, क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और हमको क्या कह रहा है, ये
ये बोल रहा है कि बिटवीन टू कार्बन एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, कितने एटम्स के बीच में, कार्बन टू है तो सिर्फ एक कार्बन, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए, कितने थे, चार थे, और दो इसने ले लिए, छह है, तो छह का क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, छह से मेरा ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन में। अब देखो, अब इनके बीच में सिग्मा और पाई निकालिए, चलो निकालो। हाँ बोलो, मैम वन सिग्मा और टू पाई बोन सिग्मा वेरी गुड, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है कहीं? हाँ, बी ऑप्शन देखो, पहला होता है मेरा सिग्मा बॉन्ड और लास्ट जो होते हैं मेरे 2 पाई। ठीक है, ठीक पाई है, समझ आया, क्योंकि इसने दो बोन। कार्बन एटम्स के बीच में पूछा है। और आप एक और चीज देख लो कि मैंने क्या बनाया था, जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो उन्हीं में बनता है जो मेरे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, लाइक शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, इसमें शेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है कैल्शियम से कार्बन की तरफ, ठीक है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और उसको कितना ही गेन कर सकता है, कैल्शियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था, ठीक है, कोई अपना ऑक्टेट थोड़ी ना खराब करेगा, वो कह रहा कोई बात नहीं मैं तो ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। चलो कितना टाइम हो गया, फिनिश, तो कल की क्लास में करते हैं, ठीक है ना, लाइक देखो स्ट्रेंथ देखो क्लास मैम की, वाह बहुत कितनी ज्यादा है, मैम ज्यादा है आज तो, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मिलना चाहिए।